Hello everybody, welcome to our today's live revision race, and today's topic is manufacturing industries from class 10th SST. Okay, so before starting, so let me see who all are here. And I am Deepika from LearnoHub, and today we are going to discuss about manufacturing industries. Hi Akina, hi Musawira, hi Rohit. I'm fine, thank you so much, and I hope you are also doing good. Hello Madhav, hello Akina, hello Musawira. Okay, so we started it, right? So hi Arun, good evening. ओके तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे. ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो हमें हम जल्दी से हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. तो जो हम गुड्स बनाते हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज़ लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं फ्रॉम अ रॉ मटेरियल. कोई रॉ मटेरियल हमने लिया, फिर उससे हमने लार्ज क्वांटिटीज में कुछ हमने वैल्यूएबल चीज़ बनाई, ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग. ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारी एक बैकबोन है. यू कैन से इट इज़ अ बैकबोन ऑफ आर लाइक आर इकोनमी. क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है. जब ये फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज जो हैं ये सेटअप होती हैं तो क्या होता है, तो लोगों के लिए जॉब्स होती हैं, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स में कैसे भी, बट जॉब्स मतलब नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो इंक्रीज होती हैं. फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, और उसमें क्या होता है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी है वो रिमूव होती है, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी, जब जॉब्स बढ़ेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और गरीबी जो है वो दूर होगी. देन वी एक्सपोर्ट दीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है. जब हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपना ट्रेड और कॉमर्स जो है उसको एक्सपैंड करते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज के साथ. और इंडियाज़ प्रोस्पैरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ होती है. तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है. और ये रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलता है, ठीक है. तो ये रॉ मटेरियल उनको मतलब दे गेट दिस रॉ मटेरियल एंड दे सेल दीज प्रोडक्ट्स टू दे सेल देयर प्रोडक्ट, जैसे कि वो इरिगेशन पंप्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर बन रही हैं, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में बन रही हैं. पीवीसी पाइप्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं. तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ ये रॉ मटेरियल लेती हैं कहीं से और वो कुछ चीज़ें बनाती हैं जो एग्रीकल्चर में हमें यूज़फुल होती हैं, और ये इनको फार्मर्स को सेल करती हैं. द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ असिस्टेड हैज़ असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, ठीक है. तो बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर है और ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये एक साथ ही जाती हैं, ठीक है. जैसे जैसे ये जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती है तो ये जो डेवलपमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है. देन टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब कौन सी वो लोकेशंस हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए. हेलो शीतल मैम, हेलो सिमरन, हेलो अर्शदीप, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. तो इन इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन जो है वो डिपेंड करती है कि उनको जो वो चीज़ बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, ठीक है. क्या उस जगह पर उनको मतलब जो रिक्वायर्ड लेबर है, जो रिक्वायर्ड लोग हैं उस काम को करने के लिए, क्या वो मिल रहे हैं, ठीक है. पैसा क्या उनको मिल रहा है, ठीक है, और कितना पैसा लग रहा है एक्चुअली उस एक लोकेशन में वो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. फिर उनको पावर और मार्केट जो है वो उन चीज़ों को बेचने के लिए, क्या उनको मार्केट मिल रही है या नहीं मिल रही है. तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो हमारी इंडस्ट्री होगी वो कहाँ पर लोकेटेड होगी. अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं दे एक्चुअली कम टुगेदर और वो एक दूसरे के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे के लिए
मतलब दे ऑफर सम एडवांटेजेस और वो कुछ अर्बन सेंटर्स प्रोवाइड करती है और हम इनको बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. ठीक है, देन आई एम फाइन, थैंक यू सो मच सिमरनजीत. ओके, तो अब की डिसीजन जो है ये फैक्ट्री लोकेशन का, वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जहाँ पर इस इंडस्ट्री को सेटअप करके जो कॉस्ट है, चाहे वो रॉ मटेरियल को लाने की कॉस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्री को सेटअप करने की कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो है वो कम हो, लीस्ट कॉस्ट हो, तो गवर्नमेंट. और उसी लोकेशन पे, उस लोकेशन पे ये भी डिपेंड करता है कि मान लो वो कौन सी जगह है या से कौन सी स्टेट में आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है, कौन सी स्पेशलाइज्ड लेबर है वहाँ पर, तो उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है. तो आइडियल लोकेशन जो है, एक तो कि क्या कॉस्ट रहेगी उस जगह तक रॉ मटेरियल पहुँचाने की, ठीक है, फिर वहाँ पर एक बार जब वो सामान बन गया तो उसको कंज्यूमर तक या मार्केट तक पहुंचाने की क्या कॉस्ट रहेगी, ठीक है, और क्या किस डिसीजन टू लोकेट द फैक्ट्री एट अ साइट, किस साइट पे वो जो फैक्ट्री है वो लोकेट की जाएगी, और व्हाट इज़ द प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट दैट साइट, उस साइट पे एक्चुअली सारी चीज़ें मिला के क्या कॉस्ट पड़ेगी उस चीज़ को प्रोड्यूस करने की. सो ये सारी चीज़ों को देख के एक इंडस्ट्री जो है वो सेटअप की जा सकती है. अब जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ना, वो बहुत अलग अलग तरह की हैं, ठीक है. पहली है बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे दो तरह की होती है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड. तो एग्रो बेस्ड जैसे कि कॉटन वूल, जूट, सिल्क, रबर, ये सारी एग्रो बेस्ड होती हैं, ठीक है. मिनरल बेस्ड होती हैं जैसे कि आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, एलुमिनियम है, मशीन के टूल्स या पेट्रोकेमिकल्स है, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं. नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर मेन रोल, ठीक है, आर द बेसिक इंडस्ट्रीज और द कंज्यूमर इंडस्ट्री. तो बेसिक इंडस्ट्रीज और द की इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो अपना प्रोडक्ट्स जो हैं या अपने रॉ मटेरियल जो हैं वो सप्लाई करती है टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, ठीक है, जैसे कि आयरन और स्टील है या कॉपर स्मेल्टिंग है और अल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है. बेसिकली ये जो आयरन और स्टील है ये किसी और इंडस्ट्री में जाएगा, उससे कुछ बनेगा. तो बेसिकली ये इंडस्ट्री क्या करेगी, बेसिक इंडस्ट्री है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करिए किसी और इंडस्ट्री को ताकि वो अपने प्रोडक्ट बना सके. दूसरी है कंज्यूमर इंडस्ट्री, विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर. जो जैसे कि टूथपेस्ट बना दिया, ब्रश बना दिए, पेपर बना दिया, स्विंग मशीन बना दी, फैंस बना दिए या और भी मैट्रेस बना दिए, तो ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, ये डायरेक्टली कंज्यूमर को जो गुड्स चाहिए वो डायरेक्टली उस पर काम कर रही है. ना ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल देर आर स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री विद रेफरेंस टू कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स क्या है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि अब जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है क्या वो पब्लिक सेक्टर की है, क्या वो उसको गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर रही है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर है जो कि विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल दिस ऑटो बजाज या डाबर है या कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है. सो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप. थर्ड इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. अब ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि स्टेट और इंडिविजुअल, मतलब गवर्नमेंट और इंडिविजुअल जो हैं वो एक साथ मिलके चलाती हैं, और ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों, मतलब ये दोनों जॉइंटली, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जॉइंटली इस इन इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, इनको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं. देन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर्स और ऑफ रॉ मटेरियल. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो लोग जो ओन करते हैं इंडस्ट्री, वो उस इंडस्ट्री को बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. नाउ बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, तो उसके बेसिस पे देर आर हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज. तो हैवी की जो वेट है या जो वेट है रॉ मटेरियल का या जो फाइनली जो गुड्स बन रही हैं उनके वेट के हिसाब से, अगर वो बहुत हैवी है तो उनको हैवी इंडस्ट्रीज में बोलते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील. और अगर वो लाइट वेट प्रोडक्ट्स है जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्विच बना दिए या छोटी छोटी चीज़ें बना दी विच आर नॉट एक्चुअली हैवी, सो दीज आर द लाइट इंडस्ट्रीज. नाउ कमिंग ऑन टू एग्रो एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो ये एग्रो एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या हैं. हाय मुस्कान,
हेलो अभिषेक. ओके, सो ये जो एग्रो और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं ये क्या हैं? सो अगर हम देखें कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है. इनका रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आता है. सो दीज आर एग्रो इंडस्ट्रीज. और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती हैं दे एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स के लिए. ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो एग्रो और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारी जीडीपी में दे कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 4% टू आर जीडीपी. और ये सेल्फ रिलायंट है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. नाउ देर आर कॉटन इंडस्ट्रीज. सो दीज कॉटन, वॉट आर दीज, वॉट इज द कॉटन इंडस्ट्रीज? जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है. ठीक है, तो ये जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं ये यूजली महाराष्ट्र और गुजरात में सेटअप हैं. और क्योंकि जो रॉ कॉटन है या जो मार्केट है इन चीज़ों को बेचने के लिए वो वहाँ पर है. और वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पर पोर्ट्स की फैसिलिटी है. ठीक है, सी पोर्ट्स है, तो ईजिली वो जो थिंग्स है वो सप्लाई हो जाती है, गुड्स जो है वो आगे सप्लाई हो जाती हैं. फिर वहाँ पर लेबर है इन सब कामों के लिए. और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट क्लाइमेट है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में है. फिर इंडिया जो है इट एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान को, फिर यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, इन सबको जो है वो एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को. और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टू स्पिंडल द फाइबर्स इन द वर्ल्ड. द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, और इंडिया जो है, अच्छा ये तो हमने बोल ही दिया, इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड. नाउ वॉट आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय दीज कॉटन इंडस्ट्रीज? एक तो जो पावर सप्लाई है वो इरेगुलर होती है, विच जो हमें अच्छी पावर सप्लाई चाहिए होती है तो देर इज़ इरेगुलर पावर सप्लाई. और जो हमारी मशीनरी है इन इंडस्ट्रीज में वो बहुत ही आउटडेटेड है, तो हमें उस मशीनरी को भी अपडेट करने की ज़रूरत है. लेबर जो है उसकी आउटपुट थोड़ी कम है. एंड देर इज स्टिफ कॉम्पिटिशन विद द सिंथेटिक. ऑब्वियसली नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बीच में जो है वो कॉम्पिटिशन है हमारी मार्केट में. देन कमिंग ऑन टू जूट. जूट जो है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और उसकी गुड्स का. ठीक है, एंड वी स्टैंड सेकेंड इन द प्लेस एज अ एक्सपोर्टर. ठीक है, बांग्लादेश जो है वो जूट का फर्स्ट, मतलब बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया स्टैंड सेकेंड इन दैट. अब देर आर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जूट टेक्सटाइल लोकेशन इन हुगली बेसिन. ठीक है, ये तो हुगली बेसिन पे इनके जो जूट की टेक्सटाइल्स हैं वो वहाँ पर हैं क्योंकि वहाँ पर जूट मिल जाता है. ठीक है, जूट प्रोडक्शन उस एरिया में होती है. वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, वाटर बहुत चाहिए होता है इसमें, तो वो थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है, रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज सब चीज़ें हैं, तो एक गुड कनेक्टिविटी है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है. देन अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग जूट, तो वही बात की इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है और पानी भी अच्छे से मिल जाता है. देन वी गेट चीप लेबर एट दिस प्लेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश. सो दीज आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच दिस जूट टेक्सटाइल इज सिचुएटेड इन हुगली बेसिन्स. ठीक है, उसके बाद वॉट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड? एक तो क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉटन में भी पढ़ा कि देर इज़ अ स्टिफ कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल से अब सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ जा रही हैं, तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या है, ये एक कॉम्पिटिशन है. ठीक है, तो एंड और बाकी क्योंकि जूट में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बांग्लादेश जो हमने बोला कि टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर है, देन ब्राज़ील, देन फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय आर जूट इंडस्ट्री. सो अगर हम जूट इंडस्ट्री की बात करें तो इन 2005 देर वॉज अ नेशनल जूट पॉलिसी जो कि बनाई गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि हम जूट की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमें गुड प्राइसेस पे, हम इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू जूट फार्मर्स, की जब हम फार्मर्स से वो जूट लें तो हम उनको अच्छा प्राइस दें और उनकी जो ईल्ड है पर हेक्टेयर, जो उनकी ईल्ड है वो भी बढ़े. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री.
देन टॉकिंग अबाउट शुगर इंडस्ट्री, तो देखो सी दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड आई कैन टेल यू दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है. तो आप सिर्फ ये यहाँ पर आके ये पॉइंट्स पढ़ लो, सो यू विल प्रिपेयर द चैप्टर, ठीक है. आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपको ये ध्यान रहे. एंड नो नीड टू मेमोराइज द थिंग्स, अंडरस्टैंड द थिंग्स, और एक दिन में दो चीज़ें पढ़, दो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लो एंड सो ऑन. स्टार्ट आई मीन keep on doing that so you will understand things. Now is sugar. So India stands second as the world producer of sugar and it occupies the first place in the production of gud and khandasri, ठीक है. तो sugar की production में India का जो number है वो है second in the world. And in 2010 and 11 more than 600 and there were over 662 sugar mills in the country, जो कि UP, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सब में जो थी ये located थी. And there were 662 mills as per 2010 and 11. अब शुगर मिल्स जो हैं वो साउथ की तरफ जो है, साउथ इंडिया की तरफ जो है वो शिफ्ट होती जा रही हैं. और वो क्यों? क्योंकि जो साउथ इंडिया में शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है एंड इट द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर्स द लॉन्गर क्रशिंग सीजन, ठीक है. तो क्रशिंग सीजन ठंडा एनवायरमेंट होगा तो जो क्रशिंग सीजन है वो भी बढ़ जाएगा. Then the cooperatives are more successful in these states. जो भी cooperatives हैं वो sugar cane industry में अगर हम बात की जाए तो वो साउथ इंडिया वाली जो companies हैं वो ज़्यादा successful हैं. So what are the problems which are faced by these sugar mills? अब इनमें क्या problems आती है sugar mills की अगर हम बात करें, तो पहली बात जो seasonal nature है ना industry का, and that is the biggest problem, क्योंकि sugar cane तो season में ही आएगा. Then old and insufficient methods of production, कि हम जो method हम उसकी production के लिए use कर रहे हैं ना वो बहुत पुराने हैं and they are also inefficient methods. Then there is transport delay in reaching the canes, ठीक है. अब शुगर केन्स मतलब व्हाट वी नीड बिग फील्ड्स, ठीक है, बड़ी बड़ी फील्ड्स चाहिए. उन फील्ड्स से फैक्ट्री तक ये शुगर जो है, ये शुगर केन आने में बहुत टाइम, ट्रांसपोर्ट का डिले है, ठीक है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम वी कैन से इज़ नॉट वेरी गुड. देन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल या जैसे मेटल्स हैं उनको यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटीरियल, सो वी कॉल देम एज मिनरल इंडस्ट्रीज, राइट. Now there are iron and steel industry, तो basically this is the basic industry, ठीक है. ये heavy, medium and light depending on their machinery की वो कैसा बनाएंगी. Then steel is needed to manufacture variety of engineering goods, construction में, goods में, defense में, medical में, मतलब iron and steel is a thing which is used in each and every sector, ठीक है. अगर हम scientific equipments देख लें, अगर हम मेडिकल में चीज़ें देख लें, इक्विपमेंट्स देख लें, हम टेलीफोनिक चीज़ें देख लें, ठीक है, डिफेंस में देख लें, कंस्ट्रक्शन में देख लें, तो हर जगह जो है वो आयरन और स्टील जो है वो ही यूज़ होती है. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आयरन और स्टील जो है वो हैवी इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि जो रॉ मटेरियल है ना जो इसको चाहिए और जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो यूजुअली बल्की होती हैं एंड दे आर हैवी, ठीक है. तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है वो भी बढ़ जाती है. सो दिस इज़ कैटेगराइज्ड अंडर हैवी इंडस्ट्रीज. और ये जब हमने हैवी और लाइट इंडस्ट्रीज पढ़ा था, जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ये हमने तब भी पढ़ा था. नाउ इंडिया इज रैंक फोर्थ अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन. Then most of the public sector undertakings market their steel through Steel Authority of India Limited, so that is in short it is called SAIL. And Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. ठीक है, तो क्यों छोटा नागपुर जो plateau है वहाँ पर iron और steel industries की जो concentration है वो maximum है. उसका reason है कि वहाँ पर जो cost है iron ore की वो कम है. Then there is high grade raw material in proximity, the labor is cheap and the market to sell these goods is good. ठीक है, तो market मिल जाती है इन चीज़ों को बेचने के लिए. So that is why the concentration जो है iron and steel industry की वो छोटा नागपुर plateau region में ज़्यादा है. Hi Huda Gaming, hi Harsimran, hello Dheeraj, hello Sasmita. Okay, so what happened, RN Single?
ओके, नाउ कमिंग ऑन टू कि अब ये आयरन और इंडस्ट्री क्या क्या चीज़ें फेस करती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो इन ये हैवी इंडस्ट्रीज़ में आती है ना, तो जो ये चीज़ें बना रही हैं वो बहुत हाई कॉस्ट की होती हैं, एंड दे आर लिमिटेड ऑफ लाइक इनकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। अब लोअर प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की, ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी इसमें कम है। जो एनर्जी की सप्लाई है वो थोड़ी रेगुलर है, और जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इन इंडस्ट्रीज़ में, इट इज़ नॉट वेरी गुड, इट इज़ अ पुअर, लाइक आप बोल सकते हो कि इट हैज़ अ दीज इंडस्ट्रीज हैव अ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू एलुमिनियम स्मेल्टिंग। अगर हम एलुमिनियम स्मेल्टिंग की बात करें तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब एल्युमिनियम के एडवांटेजेस ये हैं, अगर हम आयरन एंड स्टील के उसमें देखें तो एक तो ये लाइट होता है, ठीक है, लाइट वेट है, इसमें ये कोरोड नहीं होता है, ठीक है, रस्ट नहीं होता है, एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज़ अ मेलेबल, मेलेबल की इट कैन बी ब्रोकन इंटू थिन शीट्स एंड बिकम स्ट्रॉन्ग वेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स। अगर आप एल्युमिनियम को किसी और मेटल के साथ मिक्स कर दोगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। नाउ यूजेस ऑफ एलुमिनियम, तो अगर हम एलुमिनियम की यूजेस की बात करें तो ये एलुमिनियम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट में एलुमिनियम यूज़ होता है, क्योंकि ये लाइट है, ये कोरोड नहीं होता है, ठीक है, और इसको आप थिन शीट्स में बना सकते हो। और अगर हम इसको किसी भी मेटल के साथ मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन मेनी इंडस्ट्रीज़। तो ये इसने एक्चुअली बहुत सारी जो मेटल्स हैं उनको रिप्लेस किया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। नाउ द केमिकल इंडस्ट्रीज़, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इट इज़ ऑल्सो वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री इन आर कंट्री, और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी GDP में इट इज़ अराउंड 3%, ठीक है। तो और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एशिया में एंड 12th इन द वर्ल्ड। तो देर आर सम इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिसमें कि आते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि फर्टिलाइजर्स में, सिंथेटिक फाइबर्स में, प्लास्टिक्स में, एडहेसिव्स में, पेंट्स, डाइज में यूज होता है। देन देर इज नाइट्रिक एसिड, देन देर आर अल्कलीज, देन देर इज सोडा ऐश। अब सोडा ऐश जो होता है इट इज़ यूज टू मेक ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड पेपर, एंड देर इज कॉस्टिक सोडा। सो दीज आर द इनऑर्गेनिक केमिकल्स विच आर यूजफुल टू अस। देन देर आर सम ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स हैं जो कि अगेन सिंथेटिक फाइबर्स में, रबर, सिंथेटिक रबर में, प्लास्टिक्स में, डाइज में, ड्रग्स में, इन सब में यूज़ होता है। तो अब ये जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स है दे आर लोकेटेड नियर द ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो अगर हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें सो इट दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जहाँ पर इनकी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, इन सब के होता है। सो इंडिया जो है वो इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में थर्ड है इन द वर्ल्ड। एंड अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें इंडिया में, सो देर आर 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स, 29 फॉर यूरिया एंड 9 फॉर प्रोड्यूसिंग एल्युमिनियम सल्फेट एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड 68 आर द स्मॉल यूनिट्स विद सिंगल सुपर फॉस्फेट। सो एंड देर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड 1 कोऑपरेटिव सेक्टर इन हजारिया गुजरात अंडर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, दीज आर गुजरात, तमिलनाडु, UP, केरला, पंजाब, देन दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। और उसके सिवा जो हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि जैसे इफ़ यू आर इन सम रीजन, राइट, तो आप सो देन दैट इज़ गुड, क्योंकि वी ऑल नो कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर क्या है, राइट। देन सीमेंट इंडस्ट्रीज, और जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स वेयर आर यू फ्रॉम और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, सो दैट वेज दैट थिंग्स कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, मतलब ये सोशल स्टडीज़ बेटर। नाउ द सीमेंट इंडस्ट्री, अब अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बिल्डिंग्स बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, डैम्स,
कोई भी चीज़ बन रही है, कोई भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है या कोई पर्सनल कोई घर बना रहा है, हर जगह सीमेंट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये इस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है ना वो बहुत हैवी है, बहुत बल्की है, जैसे कि लाइमस्टोन है, सिलिका है, एलुमिनियम है, जिप्सम है, सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स। अब जो कोल और इलेक्ट्रिक पावर है ना, दे आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो इस इंडस्ट्री को कोल की ज़रूरत है, इस इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक पावर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो द इंडस्ट्री है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट इज़ सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज़। तो इसकी एक प्रॉपर इसके प्लांट्स जो हैं वो गुजरात में हैं ताकि हम गल्फ कंट्रीज़ को सीमेंट प्रोवाइड कर सके। देन द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई, 1904 में फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप हुआ था और वो था चेन्नई में। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ देर आर 128 लार्ज प्लांट्स एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स इन आर कंट्री। ठीक है, सो देर आर सो मेनी सीमेंट प्लांट्स। सो राजीव, दीज नोट्स बेसिकली ये नोट्स यही हैं। ठीक है, आप जब भी आपको पढ़ना हो तो आप वापस आओ यहाँ पर, ये वीडियो देखो, तो आप ये नोट्स एज सच आप यहाँ से यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स, जो आपको लगता है कि आपको लिखना है, सो यू कैन राइट दोज नोट्स। ओके ओके, नाउ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमें क्या देती है, हमें व्हीकल्स देती है जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो हैं वो थोड़ी बेटर हो जाती हैं। ठीक है, हमें ही कहीं जाना है, या आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं से बैंगलोर से आज कल चली और आज पहुँच गई या दो दिन में पहुँच गई। सो दीज आर द सर्विसेज, दीज आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय दीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। नाउ इट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स, इसमें बहुत ज़्यादा जंप आया है पिछले 15 सालों में। देन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। अब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, सो देर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, देर आर 9 इंडस्ट्रीज विच आर मेकिंग कमर्शियल व्हीकल्स, देर आर 14 इंडस्ट्रीज विच आर मेकिंग 2-व्हीलर्स एंड 3-व्हीलर्स। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर हैं, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर। सो सी, दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन वेरी वेल इन अनदर, मतलब इन अनदर नहीं बट इन लेस देन 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आते हैं, जैसे हमारा टीवी है, हमारा टेलीफोन है, हमारा टेलीकॉम है, पेजर है, कोई टेलीफोन एक्सचेंज है, रडार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अब बैंगलोर जो है इंडिया में, जो बैंगलोर है इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 2010 and 2011 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विद 46 लोकेशंस एट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ इंडिया। हाउएवर द मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन फॉर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज़ इन बैंगलोर, तो बैंगलोर में तो हमने पढ़ लिया, इट इज़ एमर्जिंग एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। देन नोएडा में, ठीक है, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में और पुणे में, ये जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप है। अब ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, रॉ मटेरियल पहुंच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो गई हैं, लेकिन अब ये इंडस्ट्रीज़ जो है ना ये बहुत क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें बहुत फ़ायदे ही देती जा रही हैं, ऐसा नहीं है। बट जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो व्हीकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, वो 15 इयर्स में एकदम बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। अब वो ग्रो तो हो गई है लेकिन उसके बहुत सारे हमें डिसएडवांटेजेस भी हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। तो अगर हम पॉल्यूशन का लेवल देखें आज तो वो बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है उससे। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज व्हीकल्स, सो देयर इज़ एयर पॉल्यूशन एंड देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, सो वी विल टॉक अबाउट दिस पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि जब हमारी हवा में बहुत सारी अनडिज़ायरेबल गैसेज आ जाती हैं या जो गैसेज हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो डिज़ायर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा हो जाती है,
ठीक है, मान लो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% होनी चाहिए, लेकिन अब वो उससे बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है. सो दैट इज़ एयर पॉल्यूशन, एंड आई नो वेरी वेल यू नो वॉट इज़ एयर पॉल्यूशन. तो अब जो स्मोक है, जो जैसे अब इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं तो उनसे स्मोक निकल रहा है, ठीक है. अब गाड़ियाँ चल रही हैं तो ये पेट्रोलियम बर्न हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये छोटी छोटी जो मतलब अगर सबसे थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास वो कॉन्सेंट्रेशन इंडस्ट्रीज़ की या हमारे पास व्हीकल्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो एयर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है. सो देयर इज़ टॉक्सिक गैस लीक्स विच कैन बी हैजार्डस विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. अब गर्मी बढ़ने लग गई है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम पेड़ काटते जा रहे हैं क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज बनानी है या हमें रोड्स बनाने हैं या हमें घर बनाने हैं, ठीक है. सो दे हैव इम्पैक्ट्स विच आर वेरी हार्मफुल टू अस, और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं. ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं होगा, बट वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं. और इन सब की वजह, एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस की हेल्थ पे, एनिमल्स की, प्लांट्स की, बिल्डिंग्स की, या जो अगर हम बात करें तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के, हमारे पूरे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन, तो अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है या फिर उनके डिस्चार्ज से. जब हम ये वेस्ट जो है ये बिना इसको ट्रीट किए हम डायरेक्टली इसको किसी वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं, जैसे कि पल्प, पेपर, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोल रिफाइनरीज, टैनरीज, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, दे डू नॉट ट्रीट दिस वाटर बट दे डायरेक्टली डिस्चार्ज दिस वाटर इनटू द वाटर बॉडीज. तो अगर वो पानी में चला जाएगा, एक तो वो पानी किसी भी यूज़ के लिए हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, दूसरा उसमें जो एनिमल्स थे वो मर जाएंगे, ठीक है. सो देयर आर मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन एज वेल. नाउ द थर्मल पॉल्यूशन, तो थर्मल पॉल्यूशन जो होता है इट इज़ इट पॉल्यूट द वाटर विद हॉट वाटर, मतलब बेसिकली हॉट वाटर से जो पॉल्यूशन होता है फैक्ट्रीज से या थर्मल प्लांट से, मतलब उन्होंने गर्म पानी जो है वो रिवर्स में डाल दिया, पॉन्ड्स में डाल दिया उनको ठंडा करने से पहले, ठीक है. अब उस गर्म पानी में हमारे एनिमल्स नहीं रह सकते, ठीक है, उतने गर्म पानी में, ठीक है, ऑक्सीजन कम होगी या जो भी चीज़ें होंगी, तो दैट ऑल्सो कॉजेज पॉल्यूशन, एंड दिस पॉल्यूशन इज कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन. अब वेस्ट जो होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के या न्यूक्लियर वेपन्स के, ठीक है, दे कॉज कैंसर, दे कॉज बर्थ डिफेक्ट्स, एंड दे इवन कॉज मिसकैरेजेस. देन द डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट, गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस. अब अगर हम ये जो सारा का सारा डंप है, वेस्ट है, अगर हम इसको डंप करते जाएं ना अपनी सॉइल में तो क्या होगा, तो हमारी जो सॉइल है वो यूजलेस हो जाएगी. अब रेन वाटर जो है ना वो परकोलेट होता जाता है हमारे सॉइल में, जिसकी वजह से मान लो अगर हमने ये सॉइल पे सीधे भी फेंक दिए, ठीक है, ये जो डेंजरस केमिकल्स है, अब सॉइल में क्या होता है, रेन वाटर अंदर जाता जाते तो उसके साथ ये जो सारे के सारे कंटेमिनेंट्स है ना ये भी हमारी लैंड के अंदर जाते जाते, तो इससे हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन, तो बहुत ज़्यादा आवाज़, इतनी ज़्यादा आवाज़ जो कि हमारे कान ख़राब कर दे, उससे क्या होता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, उससे हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो देयर इज़ दिस इज़ बेसिकली अनवांटेड साउंड जो कि हमें इरिटेट करती है और हमें स्ट्रेस में लेकर आती है. तो इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, फिर मशीनरी अगर कोई फैक्ट्री में यूज़ हो रही है, कुछ फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हैं, जनरेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं. नाउ कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो अगर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. पहली बात है कि हमें जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें रीयूज़ करना है, उसको हमें रिसाइकल करना है, ठीक है. हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, हमें जो इंडस्ट्री से गर्म पानी हम डायरेक्टली रिवर्स या पॉन्ड्स में डाल रहे हैं उसको हमें पहले ट्रीट करना है, ठीक है. सो अब ये जो ट्रीटमेंट होती है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है, ठीक है. प्राइमरी में मैकेनिकल मीन्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो स्क्रीन हो जाती हैं या ग्राइंड हो जाती हैं, ठीक है, और फ्लॉकुलेशन होती है, सेडिमेंट हो जाते हैं, मिट्टी जो होती है वो सेडिमेंट
हो जाती है. सेकंड प्रोसेस होता है वो बायोलॉजिकल होता है, जिसमें कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उस पानी को साफ़ किया जाता है. और तीसरा होता है केमिकल से होती है ट्रीटमेंट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि केमिकल्स को यूज़ करके वो जो पानी है उसको क्लीन किया जाता है. तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर. तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा वो पढ़ोगे, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं डिटेल में पढ़ोगे बायो में. नाउ द मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, फैब्रिक फिल्टर्स हैं, स्क्रबर्स हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं. फिर स्मोक जो है जो निकल रही है फैक्ट्री से या कार से, उनको हम कम कर सकते हैं. पेट्रोल और डीजल पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं. फिर नॉइज़ पोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम साइलेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं. और हम अगर हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो वहाँ पर हम ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो जो ट्रीज़ होते हैं, इफ़ वी प्लांट देम रोड के साइड पे ना, मान लो कि रोड्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े रोड्स हैं, तो दोनों साइड बहुत सारे मतलब थोड़े थोड़े गैप पे बहुत सारे ट्रीज़, एक तो वो ठंडी हवा देंगे, दूसरा वो पॉल्यूशन को भी कम करने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. सो हाउ डू वी पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं? तो पॉल्यूट तो हम बहुत सारे तरीकों से कर रहे हैं अपना एनवायरनमेंट, राइट? सो यू हैव टू राइट दैट. नाउ डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज. तो हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ओके, सो नाउ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रीज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो यू हैव टू सपोर्ट द स्टेटमेंट. ओके, then cotton textile industries have close links with agriculture. कैसे cotton textile industries का agriculture के साथ एक link है? Why has there been a decline in jute industry? तो jute industry में इतना decline क्यों हो रहा है, आपको तीन reasons बताने हैं, right? Okay students, so this was all about okay, so this was all about our today's revision, and now is the time for our mentee quiz. And after the mentee quiz, I have something important to tell you, so don't go anywhere. Stay here, okay? So we will... Okay, aa gaya. Okay, so after this, I'll give you some information. So you have to go to www.menti.com and then you have to put the code 7612500. So it is 7612500. Okay, so everybody join the mentee, join mentee quiz, and then we will start. Okay, I can see the screen is visible to everybody. All right, so I can see students have started to join. All right, so let us start with our mentee quiz. So the question number one is, so read the question carefully, all right? Which one of the following cities has emerged as the electronic capital of India? So electronic capital of India, in mein se kaun hai? Delhi, Kolkata, Bengaluru or Hyderabad? Ye to bada hi simple question hai, right? Isme to koi doubts nahi hone chahiye, kisi ko bhi nahi. अगर थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर या कुछ सुनते भी हो तो भी आपको इसका आंसर आ जाएगा बिना बुक में पढ़े. सो टेल मी द आंसर, और इतनी देर नहीं लगनी चाहिए. चलो जल्दी से जल्दी से. सो 3, 2, 1 एंड द टाइम इज अप. सो द आंसर इज बेंगलुरु. यस, नॉट कोलकाता, इट इज़ बेंगलुरु. ऑलराइट, सो लेट्स सी द लीडर बोर्ड. हाय अभिनव, हेलो विशाल. So Venture was the fastest in this question and he's on the top. Then is Musu, then is Casper, Shami, Narsing, Ambril, Shashank, Elsa, Hustler and Woodgoat. Okay. So now the question number two. On the basis of raw materials, industries are classified as.
स्मॉल स्केल रॉ मटेरियल. ओके, तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है? एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, बेसिक, कंज्यूमर, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और नन ऑफ दीज. सो विशाल, वी हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड ऑल द पेन ड्राइव्स फ्रॉम आर एंड, एंड आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर कि आपकी डिटेल्स पूरी करेक्ट थी या नहीं थी. ठीक है, सो आई हैव टू चेक दैट ऑल्सो. लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड एंड ऑल द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड दैट दे हैव रिसीव देयर पेन ड्राइव्स. ओके, सो 9 ऑफ यू आर करेक्ट. सो इट इज़ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड. नो, इट इज़ 3, गायत्री. ओके, सो लेट्स सी हु वाज़ द फास्टेस्ट. ये कौन है? हलवा पूरी खाओ, मस्त रहो. ओके, अभिनव वॉज द फास्टेस्ट इन दिस क्वेश्चन एंड ही इज ऑन द टॉप. देन इज हर सिमरन, नरसिंह, धीरज, शशांक, मुसू, हलवा पूरी खाओ और मस्त रहो. देन हलो शशांक एंड गायत्री. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स. तो स्टील कौन सी देती है इनमें से पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के लिए? हेल सेल, टाटा स्टील और MNCC. चलो फास्टर फास्टर. ओके, सो द टाइम इज अप स्टूडेंट्स. So let's see how many of you are correct. So it is SAIL, SAIL. Good. Okay, so the leaderboard now. So Abhinav was the fastest in this question and he's on the top. Then is Dheeraj, Narsingh, Halwa Puri Khao Mast Rao. Then hello Shashank, Simran, Gayatri, Shashank and Musu. Okay. So no, I clicked the correct thing. Okay, so the question number 4. Which one of the following industries use limestone as raw material? So limestone kaun si industry use karti hai as a raw material? Okay, so 20 seconds left. Aluminium, cement, sugar and jute. The answer is very simple. लाइमस्टोन. सोचो, नो नॉट जूट. जूट तो बिल्कुल ही नहीं है. बहुत ही सिंपल आंसर था सीमेंट. सो लेट्स सी द लीडर बोर्ड. ओके, so the fastest was Abhinav again. Very good Abhinav, and you are on the top. Then is Dheeraj, Halwa Puri Khao Mast Rao, hello Shashank, Gayatri, Har Simran, Musu, Narsingh and Shashank. Yes, it is cement. Now the question number 5. Which of the following is a challenge before sugar industry? So sugar industry mein se inke liye challenge kya hai? Sugar industry is seasonal in nature. There are old methods of production, hence the production is low. There is a need to minimize the transmit delay so that sugar can increase. Yes, so all of these. ठीक है, very good. Now the leaderboard. So now we'll get the winner and then there is an important announcement. Oh, Abhinav. Okay, so Narsingh was the fastest in this question और आज के हमारे winner हैं जिनका नाम किसी को नहीं पता है और आपको prize भी नहीं मिल सकता, और वो हैं हलवा पूरी खाओ और मस्त रहो. So congratulations to you, हलवा पूरी खाओ और मस्त रहो. So हम आपको hangout call के लिए बिल्कुल भी invite नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका नाम तो होगा नहीं, right? So this was all about our today's live and now there is some important announcement that next week there will be no live as I have something important. I have some personal commitment, so I will not be present and there will be no live. And the second thing is that
since we got to know that many of the like अगर हम 6 to 9th की बात करें तो बहुत सारे students हैं जिनके school में exams हो चुके हैं या हो रहे हैं, right? तो you are already in that transition phase, ठीक है? तो for class 6 to 9 we will not be having the quizzes now. तो अगर हम इस channel की बात करें तो class 9th के लिए basically कोई भी revision races अब नहीं होंगे and we will start fresh in the month of April. In the April में हम नई classes start करेंगे for class 9th students और तब तक class 9 students can just keep checking our community post और जो भी नई चीज़ें आएंगी या जो भी नए updates होंगे वो आपको community post में मिलते रहेंगे, ठीक है? तो अगर कोई भी doubts हो just ask all your doubts on ask question section of examfio.com and now I will see you after 1 week. So next week से भी next week मिलेंगे हम and till then class 10th students, so you don't have to worry, these lives will continue till your board exams, ठीक है? आपके board exams तक हम ये live करते रहेंगे और आपका revision हम कराते रहेंगे. So take care everybody and I will see you all very soon. So take care till then and bye bye.